जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NCC गाइड बबी रावत जीत की जिद में। अभी के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 7 बजे से, और आज का मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। मतलब अभी 3-4 बजे के समथिंग या 5 बजे के टाइम पर बारिश आई थी, तो इससे मौसम बहुत अच्छा हो गया। और वहाँ से मेरे को आवाज़ मारी हाय दी करके आ गई हाय। ये कल ही अपने नैनी हाल से आई है, मतलब नानी के घर से आई है। कितना हल्ला कर रहे हो तुम पीछे से। तो आज आ रही है मीनू, आप लोगों को दिखाऊंगी ये, ठीक है। मीनू को वो आज 2.5 महीने बाद या 2 महीने बाद आ रही है घर, क्योंकि जिसको नहीं पता उसको भी बता देती हूँ, वो गई है RDC कैंप गई थी वो, और अभी देहरादून से वो घर आएगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ऐसी बने रहना, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइस, भानु ने यहाँ पे ऑनलाइन डंबल मंगाए थे लक्षू, ये 5 kg का है और लक्षू इसको उठा नहीं पा रहा है। देखो कैसे जा रहा है, सक्षम ऊपर पहुँच गया है। ये देखो कैसा हो रहा है, सही है हैं। तो इससे 5 बार अप डाउन कर दो जरा हाथों का। देखो आज का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसे वाला कह रहे हो? हाँ, क्योंकि शाम सुबह सुबह ही आई थी थोड़ी सी बारिश, देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा गीला हो रहा है, पूरी बॉडी थोड़ी ना वो करते हैं फिर अप डाउन। सुंदर सुंदर से रुक जाना एक मिनट बाबू, सुंदर सुंदर से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अभी का मौसम कुछ ऐसा है हमारे यहाँ से, और इसको देखो 10 किलो हाय। और कल मैंने लक्षू को बताया था कि कल मीनू दीदी आ रही है, तो उसका मेरे को रात को फ़ोन आया कि दीदी सच में कल मीनू दीदी आ रही है। मैंने बोला हाँ, तो वो कह रहा था मैं सुबह कितने बजे आऊँगा, तो मैंने बोला जैसे उठोगे वैसे आ जाना। और वो सुबह सुबह यहाँ पे पहुँच गए हैं दो के दो, और बगल के छोटे दो यासी हैं, गुड। तो मन्नी भी आ गया है, बस मीनू दीदी आ रही है करके सबको खुशी है। और इनको सुबह सुबह यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे से बारिश भी आ रही है, कम कम बारिश आ रही है अभी बहुत। और इनको देखो यहाँ पर बाहर से बारिश में भी नाच रहे हैं, आपको दिख ही सकता है। देखो बारिश आ रही है घर के, बारिश में कौन खेलता है, चलो अंदर को आओ। क्या कर रही है, नाइट ना बाबू मैं नहीं पकड़ ली यार, हाथ में लगती है वाली बॉल से। ओ ओ ओ ओ ओ चले ऐसी अंदर आ बाबू। तो गाइस आज हमारे भोकू 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, तो इसका यहाँ पे अभी हो रहा है फोटोशूट। ये इसके मम्मी पापा इसके फोटो ले रहे हैं, और यहाँ पे हमने इसके डायपर से 1 बना रखा है, अगली बार किसी और चीज़ से बनाएंगे 2 मंथ का। तो यहाँ पे इसकी नानी बैठी हुई है जो रॉड में हाथों को गर्म कर रही है। देखो अभी का मौसम कितना सुंदर हो रहा है, और अभी धूप निकली है, बस जस्ट अभी वैसे ही मैंने कैमरा ऑन कर दिया था। यहाँ पे मम्मी झाड़ू मार रही है, यहाँ पे मैं बैठ के धूप सेक रही हूँ, धूप गरम गरम। और यहाँ पे मनीष खड़ा है मेरा भाई, मनीष का मेयर। हेलो, आजकल मनीष ड्रिल नहीं करता है, भूल गया ना। तो ऐसे ऐसे रे बैठे हाथ से हटा दो। इसको गाइस बहुत जोर की लग गई है बॉल से, और वो वहाँ किनारे में जाके रो रहा है। ये बॉल पत्थरबाजी जैसी हो रही है ना, क्या हो गया पागल है क्या? कोई बात नहीं, लक्कू के भी तो लगी है यहाँ पे, देखो इसके हाथ में लग गई है, कोई बात नहीं। अरे बॉल ऐसी हो रही हो, बॉल से हाथ में लग गई लक्कू के भी इसके भी।
कोई बात नहीं, स्ट्रांग है यार, एक बॉल से लगने में रो रहा है तू। कोई बात नहीं, ये बॉल है जिससे लगी इसके हाथ में, बहुत बेकार है यार ये बॉल। ये लूसी की बॉल थी जो उस दिन मैं खेल रही थी ना, वाली बॉल थी ये। तो बुआ ने बोला कि लूसी के दांत से खून निकल जा रहा है इस बॉल से, तो ये बॉल तू ले जा। हमारे नल में पानी नहीं आ रहा है हमारे घर के नल में, तो मैं जा रही हूँ आंटी को क्या पानी भरने। देखते हैं इनके वहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है। पानी आ देखो खोल के। अभी सभी लोग खाना खा के आ गए यार। अभी मैंने मीनू को कॉल किया तो मीनू बोल रही कि हमारी शाम की ट्रेन है, तो मीनू कल सुबह पहुंचेगी। उसने हमारा पोपट बना दिया कल परसों, मतलब परसों तक बोल रही थी कि मैं 4 तारीख को आऊँगी, लेकिन अब बोल रही है कि मैं कल सुबह पहुंचूंगी। तो बच्चे जो आए थे वो घर चले गए हैं, उन्हीं के कहने पे मैंने उसको फ़ोन किया कि तू कब आ रही। वैसे मुझे लगा था कि शाम तक तो आ ही जाएगी। यहाँ पर हमारी सासू मॉम जा रही है। सासू तुम सच में जा रहे हो क्या? मैंने तो मजाक ही सोचा यार सुबह तक। कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी ना, जब मेरी याद आएगी। तो रो क्यों रहे हो? अच्छा सासू तुम मेरे बिना कैसे रहोगे यार? हैं तुम मेरे बिना? टमाटर नहीं ले जा रहे हो? अच्छा ठीक है। ओए भूख लग गई। ऐसे जा बाबू ले आ, ये अच्छा है हमारा। जा देखते हैं कौन लाता है। नहीं लगा रही ऐसे वीडियो, खाली वीडियो। ये याशी ने अपने पैर में मार दिया है, कैसे लगी? हैं? कैसे लगी? तो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी सुबह सुबह मीनू पहुंच गई है, अभी गांव में पहुंच गई। उसका सुबह सुबह फ़ोन आया था कि मुझे लेने आना, तो भानु से लेने गया है, अभी पहुंचने वाली है थोड़ी देर में। और सुबह सुबह मनीष भी स्कूल को जाने लग गया। बाय मन्नू। हाय आशु। अभी मीनू दीदी आ रही है, आ जा मीनू दीदी। हाँ नम नम नहीं, नम नम नहीं लाएगी। तो सुबह सुबह सूरज देवता को प्रणाम करते हुए हमारी याशिका क्या मांगा भगवान जी से, क्या कहा? गया और मीनू भी आ गई है वहां से, आप देख ही सकते हैं ऑटो आ रहा है। अंदर ही ले जा रहे हैं। अरे यार भाई साहब मेरा ब्लॉग तो रह ही गया यार, शिट, वो तो अंदर ही ले गए। आ जा मीन दीदी आ गई। हाय। अरे 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 दीदी को जगो, कुछ मैं कह रही हूँ। हाँ मेरे से तो पहले दिखा तूने। मम्मी
अरे इसको बैठाने भी तो था मीनू को, ये मीनू का इतना सामान ऑटो में आती है पागल जैसी। लेने गई थी वहां से मिला है इतना। मैं एक ही बैग लेगी तू, काला वाला छोटा वाला देखो इतना मिला वहां से। हां वो सब है ही है। तो कैसा लग रहा है घर आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी डैडी ने मुझे फोन दिया। पापा कहाँ हैं? कितने रुपए हैं पूछ? दे दे पापा दे देंगे। अरे यारी है। अच्छा पहुंच गए फिर घर, अब तो मार खाएगी। क्या नाम है? जूते मत पहन, जूते मत पहन, जूते मत पहन, दर्द हो जाएगी। मीनू अब पहुंच गई है घर और हम मीनू का सामान निकालने लग गए हैं। पापा लग सारा सामान इसके बैग से निकाल रहे हैं कि क्या क्या इसको मिला है करके। अभी मैंने देखा, अभी आपको भी दिखाती हूँ, चलो। कहाँ से मिला है? इंडियन आर्मी है वो। खुद की मेहनत से मिलता तो ज्यादा ही खुशी होती। और पब्लिक के लिए लेके आई है मिल्टन की बोतल छोटी वाली, और पापा तुम्हारे लिए आली, मम्मी के लिए तो भी बहुत सारी है साड़ियाँ। और ये तो बहुत सामान है धीरे तिल्ले। ये और भी मिला गया। ये हमारे एडी जी सन्नी दी थी, ये हमारी सन्नी दी थी हमारे केपी आलू। केपी आलू को अलग से भैया तो हमने के पाल दो। कितना रखा है चुले में? दीदी थैंक यू बोल दे। मीनू मेरे को मिले राज्यपाल से नहीं मिले। गाइस मीनू तो घर पहुंच गया, इसने पूरा घर को उथल पुथल कर दिया। और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूं, आप सब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।